नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस खत्म होने का नाम नहीं दे रहा है और बहुत सारे सवाल पैदा होते जा रहे हैं। क्या एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से उनका सिंबल छीन सकेंगे? ये सवाल सबसे बड़ा है क्योंकि उन्होंने शिवसेना को भी, सरकार के साथ साथ शिवसेना को भी अपने कब्जे में ले लिया है। मीन्स वो ये कह रहे हैं कि शिवसेना मेरी है। तो अब ये सवाल होता है कि क्या वो पार्टी का सिंबल भी छीन सकते हैं? तो दोस्तों, इस सवाल में कई सवाल हैं जिनके जवाब जाने बिना सिंबल किसका है ये जानना बहुत कठिन है। तीर और कमान पर हक जमाना इतना आसान भी नहीं है जितना कि लग रहा है। आप दोस्तों पूरी वीडियो देखिएगा तब आप जान पाएंगे कि असली माजरा क्या है और एकनाथ शिंदे को किन किन राहों से गुजरना पड़ सकता है सिंबल पाने के लिए। फिलहाल जो मौजूदा स्टेटस है वो ये है कि एकनाथ शिंदे ने डिप्टी स्पीकर और राज्यपाल को एक चिट्ठी दी है। इसमें शिवसेना के 37 विधायकों के समर्थन से खुद को विधायक दल का नेता बताया है उन्होंने और शिवसेना के 3 अन्य विधायक शिंदे खेमे में शामिल होने के लिए गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। और अब जो हालात बन रहे हैं वो साफ तौर पे ये इशारा कर रहे हैं कि शिंदे खेमे की नज़र अब शिवसेना के पार्टी सिंबल तीर और कमान पे है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिलहाल शिंदे का 25% ही काम पूरा हुआ है और उनको सिंबल पाने के लिए बहुत सारे कठिन रास्तों से गुजरना पड़ेगा। अगर मैं एक लाइन में ये कहूँ कि उन्हें अभी क्या क्या करना पड़ेगा, तो शिवसेना का पार्टी सिंबल पाने के लिए शिंदे को विधायकों के अलावा पार्टी लीडर्स, डेप्यूटी लीडर्स, सेक्रेटरी, स्पोक्सपर्सन, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, एमएलसी, मेयर और डिप्टी मेयर का समर्थन लेना होगा और ये कोई इतना आसान काम नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इसमें। किसी का मुंह इस तरफ है, किसी का मुंह उस तरफ है। और इसके अलावा संगठन में युवा सेना, महिला आघाड़ी, भारतीय कामगार सेना जैसे पार्टी के मोर्चा का भी समर्थन उन्हें चाहिए। पार्टी सिंबल पाने के लिए शिंदे के पास ये समर्थन आधे से ज़्यादा लोगों का होना चाहिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक और बात है, अगर उद्धव और शिंदे दोनों ही खेमे वर्टिकल मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाए, साबित नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में अगर चुनाव आयोग को लगता है कि किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, यानी दोनों गुटों को, विधायकों और सांसदों का बराबर का समर्थन है या मेजॉरिटी क्लियर नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में चुनाव आयोग पार्टी के सिंबल को फ्रीज कर सकता है और साथ ही दोनों गुटों के नए नामों के साथ रजिस्टर करने या पार्टी के मौजूदा नामों को जोड़ने की अनुमति भी दे सकता है। और खुदा ना खास्ता चुनाव आयोग में अगर ये पूरा मैटर चला जाता है तो उसमें भी काफ़ी दिन लग जाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग को ऐसे मामलों में पेश फैक्ट्स, दस्तावेज और हालात की स्टडी करने में समय लग जाता है अक्सर। और चुनाव आयोग से फैसले की कोई समय सीमा भी नहीं है, हालांकि चुनाव होने की स्थिति में आयोग पार्टी के सिंबल को फ्रीज कर सकता है, साथ ही दोनों गुटों को अलग अलग नामों से अस्थाई सिंबल पर चुनाव लड़ने की सलाह दे सकता है। लेकिन जब चुनाव होते हैं तब यदि दोनों गुटों में सुलह हो जाती है, जो कि बिल्कुल नामुमकिन है, यदि दोनों गुटों में सुलह हो जाती है तो फिर से चुनाव आयोग के साथ वो संपर्क कर सकते हैं, साथ ही एक पार्टी के रूप में पहचान की मांग कर सकते हैं। आयोग के पास गुटों के मर्जर को एक पार्टी के रूप में मान्यता देने का भी अधिकार है। यदि पार्टी फिर से अपने सिंबल और नाम का इस्तेमाल, यानी कि पार्टी फिर से अपने नाम और सिंबल को इस्तेमाल कर सकती है। अच्छा, आप जानना चाह रहे होंगे, ये लोकतंत्र है, आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। इससे पहले भी सिंबल को लेकर के कई बार खींचतान हुई है। अगर मैं लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग और पशुपति की खींचतान की बात करूं तो
30 अक्टूबर का दिन था, कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए आयोग ने चिराग गुट को हेलीकॉप्टर सिंबल के साथ एलजीपी रामविलास वाली जो एलजीपी है का नाम यूज़ करने की मंजूरी दे दी थी। साथ ही पारस खेमे को एलजीपी और सिलाई मशीन सिंबल के रूप में दे दिया था। अब मैं बात करती हूँ शशिकला और पलानी स्वामी का विवाद जो हुआ था। पनीर सेलम और बीके शशिकला ने जब अन्ना द्रमुक के सिंबल पर दो पत्ती पर अपना दावा किया था तो चुनाव आयोग ने 2017 में इसे फ्रीज कर दिया था। हालांकि बाद में सीएम ई पलास्वामी ने शशिकला के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और पन्नीर सेलम से मिल गए थे। इसके बाद पलानी स्वामी पन्नीर सेलम गुट का ऑर्गेनाइजेशन और लेजिस्लेचर विंग दोनों में बहुमत हो गया था। नवंबर 2017 में उसे पार्टी का सिंबल दो पत्ती मिल गया था। अब देखा जाए तो ऐसा ही मामला इस समय शिवसेना में भी देखने को मिल रहा है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण विवाद हुआ था समाजवादी पार्टी में, अखिलेश और मुलायम सिंह का जब विवाद था। इसके बाद मुलायम सिंह ने चुनाव आयोग से कहा था कि वह अभी पार्टी अध्यक्ष हैं और सिंबल उन्हें मिलना चाहिए। अखिलेश खेमे ने इसका विरोध कर दिया था। साथ ही अखिलेश ने पार्टी के पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों और जिलाध्यक्षों की ओर से आयोग में एक हलफनामा दे करके पार्टी में बहुमत साबित किया था। आयोग ने इसके बाद दोनों खेमों को सुना और करीब 5 घंटे तक सुनवाई चलती है। इस दौरान अखिलेश खेमे ने सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और पदाधिकारियों को बहुमत होने का दावा किया था। वहीं दूसरी ओर मुलायम गुट ने कहा था कि पार्टी में कोई विवाद नहीं है। जनवरी 2017 में चुनाव आयोग ने अखिलेश खेमे को सपा का सिंबल साइकिल दे दिया था। तो दोस्तों अभी एकनाथ शिंदे के सामने जो सिंबल है उसको उस पर अपना हक जमाने के लिए रास्ता इतना आसान नहीं है। ये सिंबल उनको आसानी से नहीं मिलेगा, काफ़ी मुश्किल है उनकी राह इस मैटर को लेकर के, क्योंकि उन्होंने बगावत तो की ही है, साथ में उन्होंने जो शिवसेना पार्टी है उस पर भी अपना हक जमाया हुआ है। और अब इसको कोई कानून जो है देखेगा कि इसमें क्या करना है। सारी सिचुएशन मैंने आपके सामने साफ की है, अगर ये होता है तो ये होगा। अब देखना ये है कि क्या क्या होता है और किस किस तरीके से एकनाथ शिंदे इस सिंबल को हासिल कर पाते हैं। दोस्तों फिलहाल इतना ही, मैं फिर आपसे मिलूंगी किसी और कहानी के साथ, किसी और खबर के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।